कैसी लगी इस बार की एंट्री बताइएगा जरूर। दोस्तों मैं हूं रवि धामेजा एंड यू आर ऑन माय चैनल RDX राइड्स इंडिया। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि मैं आपको हर वीक अपने साथ एक राइड पर जरूर लेके चलूंगा थ्रू माय सीरीज वीकेंड राइड्स विद RDX। हमने पिछले हफ्ते कुछ पार्ट दमन का कवर किया था, नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द दमन हम आज कवर करेंगे। ये जामपुर बीच ही है और शुरुआत करने से पहले मसाला पूरी कहा जाता है इसे, यहाँ पे ये खा लेते हैं। इसको देख के आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है। मुझे यहाँ पहुंचे करीबन 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो आप खा लेते हैं इसे। वाटर स्पोर्ट काफी चीप प्राइसेस में अवेलेबल है, 200 से 250 की रेंज में। चलिए यहां से निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं एक फोर्ट, आप आगे देखेंगे आपको मजा बहुत आएगा ये फोर्ट देख के। और आप जब किसी फोर्ट के आसपास से गुजरे या किसी फोर्ट में जाएं, तो अपने आप ही एक शाही फीलिंग जो है ना, रॉयल फीलिंग, वो आती जरूर है। चलिए देखते हैं, हम जा रहे हैं इस फोर्ट की तरफ। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं फोर्ट की एंट्री के पास। चलिए देखते हैं ये कैसा है ये फोर्ट। इस फोर्ट पे जो हम एंट्री कर रहे हैं, ये यहां से इसकी एंट्री है जहां से मैं एंट्री कर रहा हूं। इस एंट्री पे अंदर जाके आप देखेंगे फोर्ट होता कितना बड़ा है। इसका नाम है मोती दमन फोर्ट। ये ऑलवेज ह्यूज, मतलब ऐसा आपके घर पे टेरेस हो तो बात ही क्या है। चलिए देखते हैं, जब आप फोर्ट पे जाएंगे जिस तरह से डिजाइन से ये बना होता है, बेसिकली ये एरिया तो वॉच हाउस टाइप का ही होता है, प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। यहाँ पे ऑलवेज सोल्जर होते हैं, आपकी आर्मी होती है। ये फोर्ट बना भी 1559 में था, पोर्तुगीज ने बनाया था टू प्रोटेक्ट देम और प्रोटेक्ट दमन फ्रॉम मुगल। मुगल से बचाने के लिए यहाँ पे इनकी आर्मी है। जो ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, एक एक सोल्जर होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, कुछ रियल में भी देखा होगा। जैसा ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक सोल्जर बैठ के वॉच करता होगा। लेट्स सी फर्स्ट वॉच आउट, पहले हम देखते हैं यहाँ से नजारा। इस फोर्ट से जो ये नजारा है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं मेरे पार्ट वन में भी बता चुका हूँ, मैंने आसपास 150 से 200 किलोमीटर, मुंबई के 150 से 200 किलोमीटर में जितनी राइड्स करी हैं, ये सबसे बेहतरीन लोकेशन मुझे लगी है। दो तीन रीजन है, एक तो सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। दमन का ये जो पार्ट है, चाहे वो फोर्ट हो चाहे जामपुर बीच हो, बहुत क्लीन है। क्राउड बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। वाटर स्पोर्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज है यहाँ से और बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से फोर्ट से। फोर्ट पे जाओ तो अंदर जाके थोड़ी मस्ती ना करे बंदा तो मजा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, वाओ ये फोर्ट का बैक साइड है। बैक साइड में भी ये जो लॉन है बहुत ही सुंदर है। शायद कैमरे में उतनी अच्छी तरह से आ नहीं रहा है, बट ये फोर्ट का बैक साइड है। नहीं नहीं, यहां से मैं कूदने वाला नहीं हूं, पर हाँ इसे मेरे भिलाई वाले देखेंगे तो शाबाश ही बोलेंगे, क्योंकि जहां देखा रिस्क वहां पहुंच गए। चलो देखते हैं फोर्ट पे। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो बना है, यहाँ पे भी सोल्जर होते हैं। जो नीचे ब्लॉक बना है, मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। इस ब्लॉक पे यहाँ पे एक एक सोल्जर बैठा होता था, मतलब टू वॉच। और ये भी जगह है जहाँ पे अंदर एक एक सोल्जर होता है पहरेदारी के लिए। देखिए जगह कितनी छोटी सी है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा खड़ा होगा। ब्लॉक इस तरीके का बना है कि यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाता है काफी दूर तक। तो वॉच हाउस और फॉर सोल्जर्स टू वॉच एनिमीज, और कौन आ रहा है जा रहा है उसके लिए नजर रखने के लिए बहुत बढ़िया है। देख लिया हमने ये फोर्ट, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं हम। बाय बाय मोती दमन फोर्ट, अब यहाँ से निकलते हैं हम। लॉन यार मुझे बहुत पसंद आया। ये हमारा एग्जिट हुआ, बड़ा ही रॉयल एग्जिट है। आप गेट से एग्जिट देखिए, गेट पे एंट्री हो या एग्जिट हो, कैमरे में भी बड़ी अच्छी लगती है। चलिए यहां से हम निकल गए।
अब जल्दी जाते हैं हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को तो याद नहीं है, बट 2-3 किलोमीटर के आसपास का ही डिस्टेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर होगा। एक सीधी सी रोड है, सीधी सड़क है जो जाती है जमपुर रोड से, जमपुर बीच से सॉरी, देवका बीच। ये हम पहुँच गए देवका बीच, इनके 3:30 बज चुके हैं। अब मैं यहाँ पे रुका हूँ मेरे लंच के लिए। फिर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे लंच मैंने मंगवाया, लंच में मैंने शेजवान फ्राइड राइस मंगवाया। बट जो भी वेजिटेरियन है, जब आप कोस्टल एरियाज में जाएँ तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको वेज खाना बहुत ज़्यादा अच्छा, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला है, और यहाँ पे भी नहीं था बहुत ज़्यादा अच्छा। तो गाइस ये है देवका बीच। अब बीच एक ही सिटी में अगर आपको दो मिलेगी तो आप समझ सकते हैं वो एक ही का एक्सटेंशन है। एक साइड में आप जाएंगे तो बीच का नाम जैसे जमपुर था, वहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर्ड है किनारा, दूसरा है इसका नाम देवका बीच है। ये बीच भी अच्छी है, ये बीच जमपुर बीच के जितनी डेवलप नहीं है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, बट यहाँ पे ये जो चौपाटी जैसा जो बना हुआ है, छोटे छोटे स्टॉल हैं और स्नैक्स, आप बैठ के मज़ा ले सकते हैं समंदर के किनारे पे बैठ के, ये अलग है। तो यहाँ पे चौपाटी जैसा माहौल है, और जमपुर बीच जो था उसमें डिफरेंस ये है कि वो डेवलप है और वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो दो बिल्कुल अलग अलग टाइप की आपको बीच लगेंगी। यहाँ से निकलते हैं हम वापस। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा दमन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इन वीकेंड राइड्स विद आरटीएक्स में, एक नए सफर पे, एक नई लोकेशन पे। यहाँ से मैं लेता हूँ एग्जिट, कोशिश कर रहा हूँ जैसा एग्जिट भी मेरी काफ़ी अच्छी हो। काश ऐसी एक फ्लाइट मुझे ले जाए और मुंबई ड्रॉप कर दे, बस ऐसा कुछ होगा नहीं, जाना मुझे अपनी बाइक से ही पड़ेगा, एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।